नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, अप्रैल के महीने में तेज़ी थी और मई आ गया है और 18,000 के ऊपर निफ्टी 50 कारोबार कर रहा है, तो एक तेज़ी रही पिछले एक महीने के अंदर। कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आने वाले हैं, साथ में डिविडेंड भी मिलने वाला है और यूनियन बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 76 में है। तो आपके पास अगर यूनियन बैंक का स्टॉक है तो नतीजे आने वाले हैं और नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, तो ब्रोकरेज हाउसेस का जो एस्टिमेट रहता है उसकी बात करेंगे और काफ़ी फ़र्क पड़ता है नतीजों से भी। शेयर प्राइस काफ़ी अप डाउन होता है, अच्छे नतीजे होते हैं तो एक जंप भी आता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जिन कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक PSU बैंक है और स्टॉक प्राइस 76 में है और PSU बैंकों में एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है, पिछले एक साल से एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है, जिस डेट को नतीजे आने वाले हैं उसकी बात करते हैं और शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, मार्केट कैप प्राइस परफॉर्मेंस और शेयर प्राइस क्या रह सकता है आगे, इस पॉइंट की भी बात करते हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, 6 मई 2023 को फाइनेंशियल नंबर आएंगे, कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 2023। तो 6 मई 2023 को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट डे रहेगा, अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं। और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों, 6 मई 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी और जिनके पास यूनियन बैंक का स्टॉक है। और ये डिविडेंड कितना रह सकता है, तो देखिए, पिछली बार का जो अनाउंसमेंट हुआ था 13 मई 2022 को अनाउंसमेंट था और 1.90 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट था, तो इसी तरह से रह सकता है। आप मान के चलिए कि 1 रुपया तो रहेगा ही रहेगा, इससे प्लस रह सकता है, 2 से 3-4 रुपये तक रह सकता है क्योंकि बैंक को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये अपडेट है, 6 मई 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा यूनियन बैंक के लिए भी, शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब देखिए, जो नतीजे रह सकते हैं, अनुमान रहता है ये नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, तो ब्रोकरेज हाउसेस अपना अनुमान बताते हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार के नतीजे रह सकते हैं, तो देखिए, जो प्रॉफिट आ सकता है, ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अनुमान दिया है वो दिया है 2,502 करोड़ का और ये सालाना 73.9% बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर, 11.5% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ सकता है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, और पिछले दिसंबर से इसमें 11% का जंप आ सकता है प्रॉफिट में। नेट इंटरेस्ट इनकम NII जो रह सकता है यूनियन बैंक का, 34.7% बढ़ सकता है सालाना और 5.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है और ये रह सकता है 9,120 करोड़ का, 9,120 करोड़ का रह सकता है। और एसेट क्वालिटी में भी अगर सुधार होता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों स्टॉक प्राइस में। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है और किस तरह के नंबर्स मीन्स एस्टिमेट से ज़्यादा अगर प्रॉफिट आता है और एस्टिमेट से ज़्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम आता है तो स्टॉक प्राइस में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये अनुमान है ब्रोकरेज हाउसेस का। और जो मार्केट कैप है 52,388 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 96 का, 96 इसका हाई है और 96 का इसका बुक वैल्यू पर शेयर है इस वक्त, और डिविडेंड यील्ड है 2.48 का, और देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 10.62 का है दोस्तों। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यूनियन बैंक ने देखिए 3 साल से मीन जब ये गिरावट हो रही थी तो किसी ने भी अगर किसी निवेशक ने इन्वेस्टर्स ने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा तो 181% का रिटर्न दिया है, 181% का रिटर्न दिया है, एक साल का रिटर्न 98% का है। अब पिछले 3 महीने की बात करें 4.43% रिटर्न रहा है, तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस की बात थी और तो ये प्राइस परफॉर्मेंस मार्केट कैप और बुक वैल्यू पर शेयर था। फंडामेंटली एक तरह से देखिए अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, पोटेंशियल है। अब PSU बैंक है, कोई भी अगर पॉलिसी आती है तो स्टॉक्स में एक तरह से गिरावट देखने को मिल जाती है
और प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में ये फर्क रहता है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से देखा जाए तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है, क्योंकि ग्रॉस एनपी नेट एनपी बढ़ गए थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बढ़ गए थे, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस क्वार्टर में भी अगर एसेट क्वालिटी में सुधार होता है तो अच्छा रहेगा बैंक के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब देखिए प्रॉफिट भी आ ही रहा है, पिछले 1 साल से प्रॉफिट ही आ रहा है, पहले नुकसान था, और इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ रहा है, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो अच्छा एक हो रहा है यूनियन बैंक के लिए भी और पीएसयू बैंकों में भी। जैसे कि देखिए आपको कैनरा बैंक का अपडेट दिया था, और इंडियन बैंक देखिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ है, एसबीआई भी देखिए ऊपर की तरफ ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा है फिलहाल। देखिए पीएसयू बैंकों ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो आगे अगर बाजार ठीक रहता है तो इनमें और तेज़ी रहने की संभावना रहेगी। टेक्निकली बात करते हैं तो बुलिश मोड में है, बट ये कि मार्केट में करेक्शन होता है तो इनमें बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है दोस्तों। तो फिलहाल जिन्होंने अभी लिया है या इससे पहले भी लिया है 76 में है, और नतीजे अच्छे होंगे तो ऊपर की तरफ 85-90 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट अगर अपना हाई के आसपास जाता है तो 96 तक स्टॉक प्राइस आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर अपने डिसीजन लेना चाहिए हमको करना क्या है। तो जैसे कि प्राइस परफॉर्मेंस में भी आपने देखा कि एक अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, तो बहुत सारे निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। जब करेक्शन हो तो फिर स्टॉक को देखना चाहिए। फिलहाल तो देखिए 18,000 के ऊपर निफ्टी है, तो जिस दिन करेक्शन हो तो फिर से इन शेयरों को देखना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए और जिनके पास समय है तो होल्ड किया है, तो डिविडेंड आने वाला है, डिविडेंड लेना चाहिए और नतीजों को देखना चाहिए। जब ऊपर की तरफ स्टॉक हो तो अपने अनुसार देखना चाहिए दोस्तों। तो ये 6 मई 2023 को नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 76 में। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।